भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई श्याम, क्या हाल है? बस बढ़िया है भाई। और बढ़िया। और आपका जैसे नाम क्या है? नाम कन्हैयालाल। और रहने वाले? रहने वाला इंडोदा फेरा के पास में है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और तो आपके जैसे क्या प्रॉब्लम थी? मेरे काफ़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो है पाँव से चला नहीं जा रहा था, घुटने में कट कट की आवाज़ होती थी। डॉक्टर्स को दिखाया तो बोला भाई जो है इसमें गैप हो गया है और आपको रिप्लेस करा लेना चाहिए। ऐसी एडवाइस डॉक्टरों ने रिप्लेस करा रिप्लेस किया, मैं बता दिया। लेकिन आपने नहीं करवाया? नहीं नहीं करवाया। अच्छा, तो फिर आपने क्या लिया, क्या यूज किया, क्या काम में लिया? बस पहले तो ये दवाइयाँ भी ली, फिर देसी नुस्खे भी चलते रहे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, उससे इतना सही रिजल्ट नहीं रहा एक्चुअली। अच्छा अच्छा, तो फिर अब क्या लिया आपने? अब उसके बाद में जो आपके मैट्रेस है बायोमेट्रिक मैट्रेस। अच्छा अच्छा, ये लिया मैंने मई में जो है, फिर 15 मई के बाद में इसको जो है यूज करना शुरू किया। और आज कितनी तारीख हो गई? आज हो गई अपने जो है 3 अगस्त। 3 अगस्त, 15 मई को लिया, 3 अगस्त हो गई आपको, करीब ढाई महीने हो गए। तो इसको कैसे यूज कर रहे हैं आप? बस उसको बिछा लेते हैं मैट्रेस को। अच्छा। और उस पर रिलैक्स मतलब रेस्ट करते हैं। अच्छा। और वो एक पानी की बोतल है एक्चुअली जो है बायोमेट्रिक। अच्छा अच्छा, वो पानी यूज कर रहे हैं। अच्छा, बस केवल सोते और पानी पीते हो? बस बस। तो उससे अब आपको क्या फायदा आया, क्या रिजल्ट मिला आपको इतने दिन में? अब ये देखो मेरे घुटनों में जो है वो कट कट की आवाज एकदम बंद हो गई। और पहले सो के हो या बैठ के हो, खड़े होते थे तो एकदम आराम से हो नहीं पाता था खड़ा। अच्छा अच्छा, अब इजी वे में खड़ा हो जाता हूँ। खड़ा होने के बाद भी जो है 2-3 मिनट भी खड़ा रहता तो यूँ कंपन जैसी होती थी पहले, इजी वे में खड़ा नहीं हो पाता। अच्छा अच्छा, अब आराम से कितनी चाहे जितनी देर अपन जो है खड़े रह सकते हो मैं। अच्छा अच्छा, और पहले जो है सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़ पाता था, एक स्टेप वैसे अब दोनों पाउंड हो ना आराम से दूसरी सीढ़ी पे एक सीढ़ी पैर रख लेते हो, स्टेप बाय स्टेप चल लेते हो, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ने लग गए, मतलब बिल्कुल जो है, यानी कि कितने दिन हो गए? डेढ़ महीने हो गए। और साइकिलिंग जो है, पहले साइकिल पे बैठ नहीं पाता था पेडल पे पाँव रख के। अच्छा अच्छा, अब आराम से पेडल पे पाँव रख के और चढ़ के साइकिलिंग कर लेते हैं।